नमस्कार, npg.news के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, या यूं कहने पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर अटकलें लग रही है कि कोरोना का वैक्सीन जो कारगर भी हो और जिससे लोग जल्द सेहतमंद भी हो सकें, वो कब तक उनको उपलब्ध हो पाएगा। कल ही एक खबर आई थी जिसे मैं पढ़ रहा था कि चाइना ने भी अपने कोरोना वैक्सीन को लेकर इस बात का ऐलान किया है कि नवंबर में कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इससे पहले रूस ने भी इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना ली है और वो आम लोगों के लिए अब जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा खास है वो ये है कि भारत में कोरोना वैक्सीन कब मिल पाएगा। क्या भारत में कोरोना वैक्सीन वो उपलब्ध हो पाएंगे जो हम अपने देश में बना रहे हैं, या फिर जो विदेशों ने भी तैयार किया है कोरोना वैक्सीन वो भी भारत के बाज़ार में उपलब्ध होगा। इन सब चर्चाओं के बीच एक अच्छी खबर आज दोपहर ये आई है कि जो रूस की कोरोना वैक्सीन है जिसको काफ़ी दिनों पहले ही रूस ने तैयार कर लिया था, वो कोरोना वैक्सीन अब भारत के बाज़ार में बिकने को तैयार है। और जो आकलन है और जो वेबसाइटों में जो खबरें आई है उसके मुताबिक जो रूस की बनी हुई कोरोना वैक्सीन है वो भारत में नवंबर महीने से बिकनी शुरू हो जाएगी। 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है जो भारत के बाज़ार के लिए है। और जो भारत के बाज़ार में ये वैक्सीन बेचने वाली कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब ने कुछ दिन पहले ही टेबलेट भी बनाए थे और टेबलेट को लेकर यह दावा किया गया था कि जो हल्के संक्रमण वाले जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए यह टेबलेट काफ़ी कारगर होगा। और अब ये खबर आ रही है कि तकरीबन 181 करोड़ की लागत के साथ रूस की कंपनी के साथ डॉक्टर रेड्डी लैब ने समझौता किया है, करार किया है, जिसके तहत नवंबर महीने से आम लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर रेड्डी लैब ने भारत में कोरोना का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ करार किया है। यह टीका नवंबर तक भारत में आ सकता है। इस खबर के आने के बाद BSE पर डॉक्टर रेड्डीज का शेयर 181 रुपये की मजबूती के साथ 4624.45 रुपये तक पहुँच गया। खबर के अनुसार RDIF ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ समझौता किया है। समझौते के अनुसार रूसी कंपनी भारत में डॉक्टर रेड्डीज को 10 करोड़ टीके की आपूर्ति करेगी। हालांकि इसकी कीमत कितनी होगी इसका अभी तक कंपनी की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज के बारे में एक खबर और कुछ दिन पहले पढ़ने को मिली थी कि डॉक्टर रेड्डीज ने टेबलेट का निर्माण किया है जो हल्के और मध्यम संक्रमण वाले जो लोग हैं उनके लिए ये टेबलेट काफ़ी कारगर होगा। हालांकि उससे लेकर भी बहुत ज़्यादा जानकारियां लोगों के बीच नहीं आ पाई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि जो दवा है वो काफ़ी ज़्यादा कोरोना के मद्देनज़र लोगों के लिए कारगर हो सकती है। हालांकि इन सब के बीच कोरोना के वैक्सीन की जब भारत में आमद होगी, लोग इसे लगाना शुरू करेंगे, तो उस दौरान कोरोना का क्या कुछ रिएक्शन छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अलग अलग कोने में देखने को मिलेगा, इसका हर किसी को इंतजार रहेगा। तो आज बस इतना ही। आप इसी तरह की जरूरी जानकारी के लिए npg.news के YouTube चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि हम अपने YouTube चैनल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार।